खबर शामिल करेंगे वेटिकन सिटी से। जो लोग हम जिंस प्रस्ती को जुर्म करार देते हैं वो गलत हैं। पोप फ्रांसिस ने हफ्ते के रोज शाया होने वाले एक खत में कहा कि वो हम जिंस प्रस्ती के गुनाह होने के बारे में पहले के तबसरों की वजाहत करना चाहते हैं। बुध को शाया होने वाले एक इंटरव्यू में पोप ने कहा था कि हम जिंस प्रस्त होना जुर्म नहीं है, लेकिन ये एक गुनाह है। खबर एजेंसी AFP के मुताबिक हफ्ते के रोज शाया होने वाले खत में, जो एक जेसुइट पादरी को लिखा गया था, पोप फ्रांसिस ने कहा कि वो इंटरव्यू में ये वाजा करना चाहते थे कि ये हम जिंस प्रस्ती जुर्म नहीं है, ताकि इस बात पर जोर दिया जाए कि मुजरमाना सलूक ना तो अच्छा है और ना ही इंसाफ। उन्होंने लिखा, जब मैंने कहा कि ये गुनाह है तो मैं सिर्फ कैथलिक इखलाकी तलीम का हवाला दे रहा था, जो कहती है कि शादी के अलावा हर जिनसी फेल गुनाह है। हम जिंस प्रस्ती के मसले ने कैथलिक चर्च में जदीदियत पसंदों और कदामत पसंदों के दरमियान एक बड़ी दरार पैदा कर दी है। 86 साल फ्रांसिस 2013 में पोप के ओहदे पर फायज होने के बाद से जिंसी रुझान के हवाले से अपने निस्बतन लिबरल रवैये की वजह से तनाजात का शिकार है। Somos todos hijos de Dios. Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. El ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? La condena de la homosexualidad viene de lejos. Hoy día, por ejemplo, creo que los países que tienen condena legal son más de 50 condenas legales. Y de esto creo que 10 más o menos, o un poquito por ahí, tienen la pena de muerte. No la nombran directamente, pero dicen aquellos que tienen actitudes antinaturales, o sea, buscan decirlo de manera escondida. Pero hay países que tienen esta fuerza de tendencia, o al menos culturas que tienen esa fuerte tendencia, ¿no? Creo que es injusto acá a la audiencia. Yo recibo grupos de personas así.